हाय गाइस, आज हम लोग आया है घूमने के लिए या क्राफ्ट मार्केट, मुंबई क्राफ्ट मार्केट में। बहुत अच्छा, आज का मौसम बहुत अच्छा है, इसके लिए हम लोग घूमने निकला हूँ। आज संडे का फंडे है। हाँ, आज बहुत ही मस्ती करेंगे हम लोग, इसके लिए फंडे आज फंडे पूरा। ये क्राफ्ट मार्केट, और ये क्राफ्ट मार्केट यहाँ पर आपको हर तरीका का रोड कपड़ा जो भी चाहिए मतलब सब मिलेगा ये यहाँ पर। भाई यहाँ पे होलसेल मिलता है या? हाँ, होलसेल। ये आप अंदर जाएंगे ना तो आपको एकदम फ्रूट, इंडिया का सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट और सबसे अच्छा ये यहाँ पर है। तो इसके अंदर आप एक मिनट, आप पीछे का कैमरा दिख लीजिए ना, तो आप ये देखिए, ये मार्केट है, ये फ्रूट मार्केट है। आप ये पीछे फ्रूट मार्केट, चलो आ जाओ, चलो। ये देखिए जितना भी होलसेल, ये देखिए कितना अच्छा अच्छा आपको मिलेगा ये सब। अभी हम लोग यहाँ पर बाहर से आया है, देखो बाइक पर। हाँ, आज देखो हम लोग घूमने ऐसा जगह पर जाऊँगा ना, आपको इतना अच्छा लगे, इतना अच्छा जगह आप देखेंगे तो कितना अच्छा। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सालों से बहुत पुराना बिल्डिंग यहाँ पर है, और कपड़ा का होलसेल सब कुछ यहाँ पर ही है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, आपको अगर कुछ भी टेंशन है, कुछ भी है तो सब दूर हो जाएगा। तो गाइस, आज संडे का दिन है तो सोचा हम लोग थोड़ा घूम फिर के एंजॉय करता हूँ। भाई ये मेरिन ड्राइव और कितना दूर में है? 5 मिनट और 5 मिनट। हम तो बहुत टाइम से पैदल आ रहे हैं, बस में आ सकता हूँ, टैक्सी में आ सकता हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। बस का पैदल जो जाने में जो मज़ा है वो नहीं आएगा। टैक्सी में क्या है, टैक्सी में बैठा और पहुँच गया। लेकिन ये अभी हम लोग जो नज़ारा देखते हुए जा रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, संडे का दिन कितना मस्त है। ये देखिए बस, कितने सारे बस है, लेकिन हम लोग बस से नहीं जा रहे हैं, पैदल नहीं जा रहे हैं हम लोग। अभी बस से जाऊंगा तो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, इसके लिए हम लोग बस में जाके कुछ मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा। अभी चलते जाऊंगा, पूरा एक्सरसाइज भी होएगा और अच्छा भी लगेगा, और व्यूअर्स लोग को भी रास्ता दिखाते जाऊंगा कि आप लोग ये देखिए, यहाँ से क्राफ्ट मार्केट से सीधा मोहम्मद अली रोड से क्राफ्ट मार्केट होकर यहाँ से सीधा आएंगे मेट्रो, मेट्रो से 2 मिनट का रास्ता आगे यहाँ से जाएंगे तो आप लोग। तो मेरे ये कहना है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये पेज को फॉलो कीजिए, और ऐसी वीडियो आपको बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। पूरा इंडिया की जितना अच्छा अच्छा खूबसूरत जगह है, इसी वीडियो ये चैनल पे ही मिलेगा आपको। आप प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। यूट्यूब में अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। देखिए ये सामने मेट्रो सिनेमा हॉल है, यहाँ पे जवान पिक्चर लगाने वाले हैं, और हमने यहाँ पे टिकट बुक कर लिया हूँ जवान पिक्चर का, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एक बार ज़रूर देखिए, जवान पिक्चर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। देखते हैं जवान पिक्चर का बोर्ड लगा हुआ है, 7 तारीख को रिलीज होने वाला है। बोर्ड जरा ये मेट्रो को दिखाइए, जरा ये फिल्म स्टार्ट है, ये फिल्म। ये देखिए मेट्रो सिनेमा हॉल, और हमने यहाँ का टिकट भी बुक कर चुका हो, और आप लोग भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और ये सामने देखिए मस्जिद भी है यहाँ पे, देखिए कितना सारा भीड़ है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं, और यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे से ट्रेन भी जा रहे हैं, ये ट्रेन चर्चगेट जाएगा। इतने लोग फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, सोचा मैं भी वीडियो बना लूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ये देखिए
सब लोग खड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग वीडियो बनाते रहते हैं हमेशा। अभी आप देखे, आप देखिए 360 डिग्री घुमा के दिखा रहा हूँ आप लोग को। हेलो गाइज, फाइनली हम लोग चौपाटी आ चुका हूँ, गिरगांव चौपाटी। आप लोग शायद जानते होंगे यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक है, देखिए इतना भीड़ लगा हुआ है। और आज संडे का दिन सोचा हम लोग थोड़ा घूम फिर के आऊँ, तो यहाँ पे हम लोग गिरगांव चौपाटी आया था। यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा भीड़ है, ये देखिए बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे गिरगांव चौपाटी में। आप देख सकते हैं, आपको चारों तरफ से घुमा फिरा के हम लोग दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सामने देखिए, इसका आगे पूरा समंदर है, आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखा दूँगा मैं। अभी तो फिलहाल ये रोड के पास में खड़ा हूँ, क्योंकि अभी अभी हम लोग आया है, तो पूरा चौपाटी आप लोग को घुमा फिरा के दिखाऊँगा। आप मेरा वीडियो पे बने रहिए, आज मैं आपको पूरा गिरगांव चौपाटी घुमा फिरा के दिखाऊंगा। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पे बने रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ये आप देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है गिरगांव चौपाटी में है। ये बहुत जाने माने मशहूर जगह है, इसका आगे समंदर है और यहाँ पे लोग मिट्टी में चलने के लिए आते हैं। ये पूरा रेती रेती नज़र आ रहा है, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ समंदर के पास जाके। मैं कम से कम 10 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ, तो आके देख रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग जैसा लग रहा है, बहुत चेंज हो गया यहाँ पे। ये देखिए भाई, ये गिरगांव चौपाटी है ना? हाँ हाँ। आप यहाँ पहले भी आया हो? मैं पहले एक बार आया हूँ यहाँ पर। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जगह है। देखिए मैं भी तो पहले बहुत आया हूँ, लेकिन आज जो अच्छा लग रहा है वो पहले नहीं लगा। हाँ, आज बारिश है और ठंडा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा हफ्ता में काम करके आज छुट्टी मिला और आया, बहुत एकदम दिल खुश हो गया। अच्छा भाई, यहाँ पे रोज ऐसा भीड़ रहता है या खाली संडे को रहता है? रोज रहता है, बट संडे ज्यादा रहता है, संडे को ज्यादा रहता है, क्योंकि संडे को सबका छुट्टी रहता है, तो सब घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे। हाँ, सब संडे सब ऑफिस वगैरह सब छुट्टी रहता है और सब बाहर से आदमी आता है, और इसके लिए सब मुंबई का बहुत जगह से भी आता है, इसके लिए बहुत गर्दी रहता है, बहुत बारिश है सब के लिए, फिर भी बारिश में भी रहे सब लोग। हाँ, अच्छा यहाँ पे समुंदर है ना ये? हाँ, समुंदर। इसके आगे तो और कुछ नहीं, खाली पानी ही पानी नज़र आ रहा है। चलिए आप लोग को पानी में ले जाके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ तक तो पानी आ जाता है, पानी का जब लहर आता है तो यहाँ तक तो आ जाता है। और यहाँ पर और भी लोग जब, भाई सुनिए ना। हाँ बोलिए बोलिए। ये आप यहाँ पे और भी आए हो? हाँ आया हूँ मैं, एक बार आया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे जो पब्लिक आते हैं वो किस लिए आते हैं यहाँ पर? मतलब इसमें देखो कितना अच्छा जगह है और कितना अच्छा लगता है आपको, आप खुद भी देखिए ना कितना ठंडा मौसम है। देखो बारिश हो रहा है फिर भी इसमें मैं भी आया हूँ, तो गया है इधर घूमने के लिए। और बारिश में देखो ना, मैं भी भीग गिर रहा हूँ। हाँ, मैं भी भीग गया पूरा भीग। और ये बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, प्लीज इसको लाइक करिए, उनको लाइक करिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उनको। बहुत अच्छा वीडियो बनाए तो आपको अच्छा वीडियो मिलेगा इनका। थैंक यू। ये देखिए अभी पानी के बीच में आया हूँ मैं, और मुझे ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पे ठहरने का मन कर रहा है। ये देखिए कैसा पानी का लहर आ रहा है, आपको दिखा रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो भी बना रहे हैं, देखिए पानी का लहर आ रहा है और देखिए कैसे कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आपको चारों तरफ से घुमा के दिखाता हूँ।
देखिए कितने सारे पब्लिक है यहाँ पे घूमने के लिए आया है, संडे का दिन है ना इसके लिए। ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इसीलिए। ये देखिए कैसे पानी का लहर आ रहा है, और आप लोग को दिखाना चाहता हूँ ये पूरा पानी पानी नज़र आ रहा है और कुछ नहीं। ये देखिए कितने सारे पब्लिक है यहाँ पे, देख सकते हैं, और सभी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। संडे का दिन है इसीलिए सब मस्ती करने के लिए आया। देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, और सभी लोग कितने अच्छे से मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो देखिए वो बिल्डिंग जो दिख रहा है वो कोई बिल्डिंग नहीं है, बोरी मस्जिद है बोरी लोग का। ये देखिए देख सकता है यहाँ पे आप लोग को 360 डिग्री में घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए समंदर का पानी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए